हेलो एवरीवन, मैं आरती राजपूत की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मटर पनीर की टिक्की, आलू की टिक्की तो आप लोगों ने बहुत खाई होंगी, बट मटर पनीर की टिक्की एक बार खाएंगे बार बार खाने का मन करेगा और बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाता है और बहुत कम समय में बन के रेडी होता है। आइए चलते हैं, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, बड़े आलू नहीं थे मेरे पास इसीलिए मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। ये मैंने एक कद्दूकस ले लिया है और इसको हम लोग आलू को सारा कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है तो आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, बट आलू में लम्स नहीं होनी चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए। इस रेसिपी में आपको लम्स फ्री होने चाहिए। ये देखिए सारा मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये मैंने चावल का आटा लिया है और इसमें हम 5 चम्मच लगभग चावल का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आरा रोट और कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ये मैंने 2 चम्मच बेसन का यूज़ किया है, बेसन यूज़ करने से बाइंडिंग का काम आता है। और ये क्रश किया हुआ 1 चम्मच लगभग काली मिर्च का यूज़ किया है, काली मिर्च डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून लगभग लाल मिर्च डाला है मैंने और लाल मिर्च डालने से आपका कलर बहुत अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। और इसे हम लोग अच्छी तरीके से जैसे आटा लगाते हैं ना हम लोग, उस टाइप में हम इसे लगा लेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे हम। और इसे बिल्कुल आटे के जैसे ये मैंने देखिए लगा लिया है और बिल्कुल आटे के जैसे हमारा सॉफ्ट भी है। और इसे 10 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट पे छोड़ देंगे जब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है मैंने और ऑयल बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। 1 चम्मच लगभग अदरक ग्रेट किया हुआ, कद्दूकस करा हुआ अदरक डाला है मैंने और इसका कच्चापन जब तक नहीं जाता जब तक हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, इसे अच्छी तरीके से चॉप करके और डाल दिया है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और मतलब कच्चा ही रखना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसे। और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा फ्राई हो चुका है और इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है मैंने, साफ़ करके हरी मिर्च भी यूज़ किया है मैंने। और इसे हम लोग दोनों को अच्छी तरीके से पका लेंगे और इस दोनों को ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। और ये लगभग 3/4 कप लगभग मटर है हमारे, और मटर को भी अच्छी तरीके से डाल के और छील के साफ़ करके मैंने अच्छी तरीके से ले लिया था। और ये साफ, और 1 टेबल स्पून लगभग लाल मिर्च का यूज़ किया है मैंने और लाल मिर्च डालने से, और स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है इसमें। और हम इसमें ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, बस लाल मिर्च से ही हम बनाएंगे हम इसे। और इसमें थोड़ा सा ये देखिए अच्छी तरीके से भूज लेंगे जिससे हमारा लाल मिर्च अच्छी तरीके से पक जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मटर को पकाएंगे, क्योंकि मटर थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है और इसलिए मैंने लगभग इसमें 1/2 कप पानी का यूज़ किया है। और इसे ढक के 10 मिनट के लिए हम इसमें लगभग छोड़ देंगे इसे पकने के लिए। ये देखिए 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से पक चुका है हमारा मटर, जो हमने पानी भी डाला था वो भी पानी भी सूख चुका है और अच्छी तरीके से पक चुका है। और हम इसे चला लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल ऑयल भी छोड़ दिया है मटर ने, मसाले ने बिल्कुल ऑयल फ्री हो चुका है। ये देखिए मैंने 50 ग्राम लगभग इसमें पनीर का यूज़ किया है, पनीर को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है और इसको भी हमने यूज़ किया है और इसे मिक्स कर लेंगे। जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ये मैंने कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है, इसको भी अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इससे हरा धनिया डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है और लुक भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं हरा धनिया हर रेसिपी में यूज़ करती हूँ, आप लोग भी ज़रूर यूज़ करा करिए। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से दबा के और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। इसे ठंडा कर लेते हैं हम लोग, और ये ठंडा कर लिया है मैंने अच्छी तरीके से। और इसे थोड़ा सा दबा के प्रेस करके थोड़ा सा मटर को जो है ना हम लोग प्रेस कर करके थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे ये जब हम इसमें स्टफिंग करेंगे, मटर भी दब चुके हैं। आइए बैटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है। और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ में, जिससे हमारा जब हम टिक्कियाँ शेप देंगे तो इसमें चिपके ना हाथों में, क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया। आलू है, थोड़ा सा आलू हाथ में हाथों में चिपकता है और ये थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इसमें
लेंगे, थोड़ा बड़े बड़े ही बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा छोटे छोटे नहीं बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा छोटे छोटे भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, इसमें थोड़ा सा हम लोग भरेंगे और इसको इस टाइप में दबा के, जैसे हम लोग जैसे आलू के पराठे नहीं बनाते हैं उस टाइप में, कचौड़ियाँ पराठे इस टाइप में हमें कर लेना है। और इसके बीच में थोड़ा सा हम लगभग दो एक चम्मच लगभग हम इसमें मटर और पनीर का वो जो हमने मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे हम इसमें, लगभग एक ही चम्मच ऐड करेंगे, एक चम्मच से काफ़ी होगा इसमें ऐड करेंगे। और इसको इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से सारा बंद करके, ये देखिए इस टाइप में बंद कर देंगे हम, और बिल्कुल टिक्की के शेप में दे देंगे। जब हम आप तेल लगा लेते हो हाथों में तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और ना फटता है। और इस टाइप में ये देखिए गोल गोल करके और टिक्कियों का शेप दे दीजिए, आपके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो। मैंने थोड़ा सा मोटा ही बनाया, थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। आइए सारा बना के रेडी कर लेते हैं हम। और ये देखिए लगभग मेरे सारे बन के रेडी हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं मैंने बनाया था, थोड़ा ही बनाया था, इतने बन के रेडी होते हैं। आइए इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। और ये मैंने उसी पैन में ऑयल डाल दिया है, 3 कप लगभग ऑयल डाला है। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है मैंने। और एक एक पीस करके हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए एक एक पीस ऐड कर देंगे। और गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखना है, लो फ्लेम पे नहीं रखना है। हमारा तेल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ठंडा होगा तेल तो ये फट जाएंगी, क्योंकि ये आलू के बने हुए हैं ना, इसलिए फटने का डर है, इसलिए हमें गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही रखना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएंगे और बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे मटर पनीर से बनाया है। और ये देखिए एक साइड से पक चुके हैं हम, एक साइड से इस टाइप से हम लोग इसे पलट लेंगे अच्छे तरीके से। और ये देखिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे कलर आ चुका है हमारा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। और थोड़ी देर हम लोग दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक जाए, और इसी टाइप में ही कलर आना चाहिए। और ये देखिए आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, और झटपट बन के रेडी हो जाता है एक एक करके। चलिए इसे निकाल लेते हैं हम इसमें, इस टाइप में आपको इस टाइप में ही कलर आना चाहिए। लग नहीं रहा ना कि आपने ये आलू से बनाया, ऐसा लग रहा है आटे से बना हुआ है, कचौड़ी बनाई है, बिल्कुल कचौड़ी जैसी लग रही हैं, बहुत ही अच्छा सेव आता है। और सारे बना के रेडी कर लिए हैं, आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए आप केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, मेयोनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और बहुत ही क्रिस्पी लगने वाला है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर से कितना कुरकुरे है, ये देखिए आवाज़ आ रही है ना आपको, कितना अच्छे से कुरकुरी बन के रेडी हुई है। और ये देखिए तोड़ के मैं दिखाती हूँ, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छी तरीके से भर गया है, हमने कम यूज़ किया है इसलिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँगी। ओके बाय।